इन दो महिला नेताओं की तस्वीर हुई वायरल। पीएम मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात, फिर सुनक से लगी गली। सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बात। क्या इटली की महिला पीएम ने मोदी से सोनिया राहुल पर भी की बात? मनमोहन सिंह होते पीएम तो 10 जनपद जाती इटली की प्रधानमंत्री, यहाँ डिनर से ही सीधा चली गई वापस। G20 की मीटिंग खत्म हो गई, नेता अपने अपने घर भी चले गए, पर इन दो महिला नेताओं की तस्वीर लोगों के दिल में बस गई। इनमें पहली तस्वीर है इटली की महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की और दूसरी तस्वीर है रूस की शेरपा स्वेतलाना की। इन दोनों को लेकर सोशल मीडिया दीवाना हुआ जा रहा है। इंस्टाग्राम पर कई मीम्स बन रहे हैं। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जिस गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, उसकी तस्वीर देखकर हर कोई ये पूछ रहा है कि इनके बीच क्या बातचीत हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स की बात इस बात पर है कि जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया, पर ऋषि सुनक के साथ वो गले मिली। हालांकि हम आपको इससे हटकर ये बताते हैं कि पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया की विचारधारा में ऐसी क्या समानता है कि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो मिनटों बतियाते रहे। पीएम मोदी जिस तरह से देश की संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाती हैं, ठीक वैसा ही जॉर्जिया भी करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की पहली धुर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली। मतलब समझ गए होंगे, वामपंथियों को खटकती हैं। इनकी पार्टी का नाम ब्रदर्स ऑफ इटली है। ये अप्रवास विरोधी हैं, यानी रोहिंग्या जैसे मुद्दों पर मोदी वाला स्टैंड है। इनके पीएम बनते ही वहां तानाशाही लौटने की चर्चा शुरू हो गई थी। खास बात यह है कि जब इटली की पीएम हिंदुस्तान आई तो वो 10 जनपद नहीं गई। अगर मनमोहन सिंह पीएम होते तो वहां जरूर जाती। ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी जब मनमोहन सिंह हाथ जोड़े खड़े दिखे और सोनिया गांधी कुर्सी पर बैठी दिखी। यही सोच का फर्क है। ये तो इटली की पीएम की बात हुई, अब आपको रूस की शेरपा स्वेतलाना की तस्वीर दिखाते हैं। इनकी खूबसूरती की काफी चर्चे हो रही हैं। इनके नयन नक्श देखकर लोग कह रहे हैं कि ये मिस वर्ल्ड से ज्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन असल में ये जितनी सुंदर हैं, उतनी ही तेज तरार इनका दिमाग भी है। G20 देशों के बीच इन्होंने कई मुद्दों पर सहमति बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देश ये चाहते थे कि इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हो, फिर से ये प्रस्ताव पारित हो कि हम रूस के कदम की निंदा करते हैं। पर अमिताभ कांत के साथ मिलकर स्वेतलाना ने दुनिया के हर बड़े देश के दिग्गजों को इस बात पर मनाया कि यूक्रेन के अलावा और भी कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। सिर्फ निंदा से G20 बैठक का मकसद पूरा नहीं होगा। बातचीत में काफी फ्रैंक स्वेतलाना लुकाश ने राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र से पढ़ाई की है। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में भी डिग्री हासिल की है। कई प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर चुकी हैं। साल 2007 से पुतिन के ऑफिस में काम कर रही हैं, जहां घरेलू और वैश्विक नीतियों का जिम्मा संभालती हैं। ऐसे में आप सिर्फ ये तस्वीर देखकर ये सोच रहे थे कि ये महिला कौन है, तो हमने सोचा आपको बताया जाए कि इनकी काबिलियत कितनी बड़ी है। जब दो देशों के दिग्गज नेता मिलते हैं तो उनकी मुलाकात में गर्मजोशी दिखना ये बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इटली हो या फिर रूस, भारत के रिश्ते दोनों देशों के साथ अच्छे रहे हैं। हिटलर कभी सुभाष चंद्र बोस से इतना प्रभावित था कि मिलते ही उसने उन्हें नेताजी की उपाधि दे दी थी। और आज इटली की महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया जब पीएम मोदी से मिलती हैं तो वो कहती हैं, मैं आपकी जितना जिंदगी में कभी लोकप्रिय नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि आप वर्ल्ड फेमस हैं, तो इस बात पर बधाई तो बनता है।